Essentially, next 40 minutes I will try to share with you what I can tell you, how do you enjoy becoming a doctor. And as you enjoy becoming a doctor, you also take care of your own health and not just try to teach others and prescribe others medicines. After खुद को भी अपना ध्यान रखें तो हम शुरू करते हैं. अभी आपको महामारी के बारे में मैंने बताया, बहुत ही इंटेलिजेंट लर्नर्स हैं. आर यू इंटेलिजेंट लर्नर्स? आर यू मेटिकुलस चिल्ड्रन? आर यू ऑल वेरी सिंसियर? यस सर. सो नो वंडर यू आर एट अ प्लेस कॉल्ड आईएमएस. वेलकम टू आईएमएस. सो यू गॉट टू बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड, to your parents, to your thing that everybody gets into such an institute, and you should try to make the best use of it. Yes? And you should feel good. अभी आपने कुछ ना कुछ अच्छा करा ही है तो आप यहाँ. Each one of you is an absolutely wonderful show. It's not easy that why you are here. So you are here with lot of efforts. Now you have to continue that. To be able to continue that, you need to feel good when you do good. So you do good and then you feel good, so that you do good again and you feel good again, and that continues. Because an occasional good thing, yeah, you have some problem. You want to come here? So an occasional good thing will not help. You got to do good and then feel good, and then do good again and feel good. What makes you feel good will actually decide where you reach in your life. क्योंकि वही काम आप बार बार करोगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है. भले आपको कोई तारीफ करे या ना करे, इस चीज के ऊपर कोई आपको शाबाशी दे या ना दे, आप अपने आप अच्छा करें और अच्छा महसूस करें, फिर और अच्छा करें, फिर और अच्छा करें. So the 8 tips today morning I am going to discuss with you are these. Now we will try to tell few things about all these things. So what are these? You can also speak with me. Time, identify your time wasters. Do not, yeah, love. Have patience. All good things will happen. Handle stress. You never lose. Healthy living. Motivate everyone. Heroes of your life. Make one plan. Don't react. What is your goal? If I have to ask you which is the best wristwatch, सबसे अच्छी घड़ी कौन सी होती है? जी, रोलेक्स. अच्छा एक बात बताएं, हमारे पास 200 रुपए की घड़ी है और आपकी 2 लाख रुपए की घड़ी है, उसके अंदर अंतर क्या है? 24 घंटे है ना एक दिन में. So what does that mean? That you can ask your daddy to buy you an expensive watch, but you cannot ask your daddy to buy you. तो दोस्तों अगर आपने टाइम खराब किया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू टेक केयर ऑफ दैट. तो टाइम इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. यू हैव अ लिमिटेड टाइम और आईक्यू का जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा आगे नहीं कह सकते. मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, नहीं आप सभी स्मार्ट हो, लेकिन आईक्यू का डिफरेंस एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट में 10% 20% से ज्यादा है. पर हार्ड वर्किंग का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है. हो सकता है कि आप 2 घंटे दिन में पढ़ते हैं, हो सकता है कि कोई 6 घंटे दिन में पढ़ते हैं. सो देयर द डिफरेंस इज 300%. सो यू कांट मेक अप दैट डिफरेंस बाय योर आईक्यू. सो यू कैन नॉट बीट एनीबॉडी जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट यू आर स्मार्टर. सपोज आई टेल यू दैट टुडे इज 17th ऑफ जनवरी 2020. इज दैट टाइम? सॉरी, oh, it is 2019. December. 17th December 2019. Is this right? Yes. Half of you are saying yes. No, sir. It is 16th. But does it matter? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. So if it does not matter, then there is a problem. It should matter. आपको लगना चाहिए क्या आप बात कर रहे हो डॉक्टर रावत, अभी कैसे 17 हो सकती है? अभी तो 16 की मॉर्निंग से मुझे ये करना है, 16 की दोपहर को ये करना है, 16 की रात का टारगेट ये है. इट कैन नॉट बी 17.
So if you are conscious about that, what are the targets for the day? जैसे एग्जाम लिखी ना, सपोज करो एग्जाम चल रही है, तो सुबह की 8 बज रही है और शाम की 8 बज रही है, फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है ना फर्क। तो अभी भी फर्क पड़ना चाहिए कि 16 की सुबह हो रही है अभी, अभी तो 16 को दोपहर से ये लेना है, 16 के शाम का ये लेना है। इफ यू आर नॉट अवेयर हुई चलेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सी द मेडिकल फील्ड इज सच एन इंपॉर्टेंट फील्ड, आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आप सब लोग बहुत यूफोरिया में हो, अभी आप MBBS कर रहे हो, IMS से कर रहे हो, everybody is convinced. And I'm not trying to scare you, but the fact is that बहुत जल्दी आपको पता पड़ेगा कि doing MBBS from even IMS is a very small milestone you will be achieving. And if you are not careful right from the beginning, you know you will soon, many of you would soon start getting frustrated, depressed, start seeing psychologists and psychiatrists. और ये बहुत common है आजकल. Because it's a long process, so you got to be mentally prepared right from the beginning that what are you heading for. So my first point is identify your time distress. आपका time distress क्या है? आपका time distress क्या है? PUBG, दोस्त, whatever. आपसे आपके सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे देखो. I request you, all of you, to identify your time distress now and try to tell yourself if this attitude of wasting time is going to hurt you in long way. Okay? So identify your time wasters and be time conscious. आपको target set करने की है कि आज के दिन मुझे ये करना है, कल के दिन मुझे ये करना है और इससे पहले नहीं सोना है. अगर आपको कुछ enjoy भी करना है तो आप लोग आपको से बात करोगे तो मैं कैसे करूँगा? अगर आपको कुछ enjoy भी करना है तो आप उसको पहले compensate करो. You earn it. And how can you earn it? कि आपने ना सुबह 8 घंटे जल्दी उठे और आपने उसको कवर कर लिया एंड देन सो दैट यू हैव एन आर एक्स्ट्रा टू आर एक्स्ट्रा टू एंजॉय समथिंग व्हाट यू वांट टू एंजॉय.